श्री बजरंग सेवा समिति के तत्वावधान में हरियाली तीज का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। परंपरागत मेला चला आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस मेले को आज 76 वर्ष पूरे हो गए, 77वां वर्ष लग रहा है। ये मेला प्राचीन मेला है और इसकी खासियत यह है कि ये सावन के महीने में जब हमारी बहन बेटियाँ अपनी अपनी ससुराल से वापस आती हैं तो पुरानी सखी सहेलियों से झूला झूलने के माध्यम से मिलती हैं। ये पूरा परिसर जो है झूलों से सजाया गया है। यह मेला बहुत वृद्ध रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। यहाँ का हजारों की संख्या में हमारी बहनें इस मेले के अंदर भाग लेंगी आज। और हमारी आज का इस मेले का उद्घाटन हमारी कोतवाली एसीपी सुश्री सुकन्या शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे बीच में आगरा की वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पूर्ण वाश्री जी भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित हैं हमारी। और ये मेला विधिवत यहाँ से आज प्रारंभ होता है 5 बजे उद्घाटन के बाद। हरियाली तीज हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं। महिलाएं इस त्यौहार को बहुत हर्ष के साथ मनाती हैं। सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार जैसे हमारी ये मन में उमंग लेकर आता है, उसी उमंगों के साथ हम आपको ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपके जीवन में इसी तरीके से हरियाली आए जैसे हरियाली तीज पे हमारे आज यहाँ मेले में। और कुछ टिप्स भी दिए बच्चियों को आपने, सुरक्षा के क्या मोटिवेशन दिया? मैंने 1090 के बारे में जानकारी दी है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश हमें हैं। आगरा में भी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह सर, हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी महिला अगर उसके साथ कोई अपराध होता है तो इसके बारे में आके जानकारी दी। हमारे सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है, जहाँ पे महिला सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षी रहती है और वो लोग जगह जगह पे जाके भ्रमण करती हैं, बताती हैं लोगों को मिशन शक्ति के बारे में, जिससे कोई भी महिला अगर उसके साथ कोई अपराध होता है तो उसके बारे में ज़रूर हमें बताए।